शहर के इंगोरिया रोड स्थित बीमा अस्पताल को कोविड सेंटर जल्द चालू करने के लिए 4 कमरों में चॉइस। शहर के इंगोरिया रोड स्थित बीमा अस्पताल में कोविड सेंटर जल्द चालू करने के लिए 4 कमरों में 24 बेड के लिए मेंटेनेंस का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब यहां ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने का कार्य बाकी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की सब इंजीनियर नेहा निर्मल ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य करने वाली टीम को लेकर पहुंची। टीम के आने पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सांसद अनिल फिरोजा के सहयोगी प्रकाश जैन, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मेंटेनेंस निर्माण का निरीक्षण किया, जिसके बाद सब इंजीनियर नेहा निर्मल और टीम से चर्चा कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने की बात कही। तो मिस्चीवियस हर जगह है, तो मेरा यह है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बाहर का आउटसाइड का सोर्स कम रखना, बहुत कम मार्जिन रहे आउटसाइड में, क्योंकि अपन ने चैनल गेट लगा सारा अपना इन रहेगा, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आउटसाइड में बहुत कम रखें अपन, है ना, बहुत कम स्पेस, ताकि उसको अपन किसी और चीज़ से कवर कर सके, ताकि वहाँ तक कोई आदमी नहीं पहुँचे। यूज वाला एरिया ये है तो वहीं ऊपर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिर्फ बाहर से जो अंदर लोगे ना, पर मेरा उस चैनल गेट से जो आएगी ना, जैसे ये ऐसा चैनल लगा ना पहला फ्रंट पे, तो वहां से वो जो रूम है कॉर्नर पे, तो वो अंदर ही लेंगे अपन, ठीक है। लाइन तो अंदर ही होगा पूरा सेटअप, मैं अंदर ही करेंगे, बाहर तो कोई लाइन दिखेगी नहीं सर, बाहर तरफ छत में ड्रिल करेंगे तो फिर क्या होगा कि पाइप बाहर की तरफ लेना होगा, और अंदर के साइड से अगर अपने करते हैं तो पाइप ऊपर से यहाँ डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्लीनिंग के टाइम में, वो ही ज्यादा रहेगा। दीवाल के बाहर निकालेंगे, वहाँ से 10 फीट तक अपन सिर्फ बाहर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से अंदर आ जाएंगे, फिर अंदर तक दीवार के बाहर निकाल लेगा वहाँ से। ओके, कितना टाइम लगेगा आपको लगभग? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन तो मटेरियल वगैरह तो बाद में चलेगी, अभी मान के चलो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली सब काम दिया है, हमारे मटेरियल के लिए एडवांस दिए हुए 15 दिन पहले दिए हुए, तो अभी तक जो मैम को फुल 100% मटेरियल नहीं है, बस ये है कि हम लोग अपने काम चला रहे हैं वहाँ, ये है कि जल्दी करके इंडस्ट्री में ये लाइन चलती ही नहीं है सर, हर एक केमिकल से हर गैस के लिए अलग लाइन चलती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल लोगों पास कैप्चरिंग नहीं होती इसको करने में? नहीं, वो लोग ये करते ही नहीं। अच्छा, नाम को जरूरत होती है इसकी सप्लाई, इसकी सप्लाई कहाँ से देंगे अपन? जैसे लाइट तो बेच गई, सप्लाई कैसे देंगे? सिलेंडर से काट देंगे, सिलेंडर से मैं नीचे वहां लगेगा मैनिफोल्ड, नीचे नीचे अपन मैनिफोल्ड लगा देंगे, क्योंकि सर सिलेंडर्स को ऊपर लाना तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नीचे से अपन ऊपर सप्लाई कर पाएंगे, वो क्या कॉर्नर पार्ट कन्वीनियंट हो जाएगा। उज्जैन में बैठनी, इंदौर में बैठनी, यहाँ हमारे पास 5 बेड है। 5 बार कहाँ से प्रिफर करते हैं? दिल्ली से छोड़कर वो MGBS होगा, और वहीं से लाइन उठा करके यहाँ पैरेलल चला सकते हैं इस रूम में और इस रूम में।
कितने आप तो बताओ, 10 दिन में हमें 6 करना रूम अपना चार मतलब दो रूम में हमें 10 दिन में दे दो, 10 दिन में यार हमें आप कुछ भी दे दो आप इस तरफ से पहले कर दो पैरेलल काम भी चले और एडमिशन की दिक्कत नहीं आएगी नहीं दोबारा खाली थे वर्किंग में ज्यादा बस 0.1 पॉइंट्स थे उन्होंने 7 डेज के अंदर ही ये पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया बस वो मटेरियल का थोड़ा सा शॉर्टेज था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा अगर वो इशू नहीं रहेगा तो ये 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे देखो मटेरियल वाले इशू में भी मेरा निवेदन ये था जहाँ जहाँ आपको जरूरत लगे वहाँ वहाँ थोड़ा सा साहब को बताओ मुझे बता दो तो पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ अप्रोच करनी होगी मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम अगर कहीं रुक रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन तो दिल्ली में अभी है इनका साहब का कहना ये है भैया का कि कहीं भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो शेयर कर लो जल्दी हो सकेगा तो हम लोग बिल्कुल क्या है एक्चुअली दिल्ली में बहुत लंबे समय तक माननीय गहलोत जी प्रभारी रहे बहुत लंबे समय तक वो जब जनरल सेक्रेटरी थे तो एक्चुअली क्या है वो फिर वहाँ के लोकल लोगों से कॉन्टेक्ट काफी थे उनके केंद्रीय मंत्री जी यही रहते हैं एक्चुअली नागदा में तो वो हो जाएगा अब वो ऐसा नहीं किसी भी काम की नहीं जब आपको लगे जब सब तो बता देना नहीं 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 तो अपने ऐसे भी उनको परेशान नहीं करना है तो ऑप्टिकल नहीं आए तो ये कह रहा कि वो फोन लगा देंगे वहां पे तो बड़ा जल्दी काम हो जाएगा पूरी मदद सर मेरे पास ऑक्सीजन का आउटलेट तो मैं मैम को कल दिखा रही अपने पॉपर पाइप भी हो जाएगा ह्यूमिडिफायर बॉटल और नीचे का MGPS का मैनिफोल्ड और कंट्रोल पैनल ये पाइप है तो कांटेक्ट कर लो उसको इमीडिएट उन्होंने मुझे कहा है कि मंडे तक मैं निकाल दूंगा हां तो उसका फॉलो कर लेना मतलब ऐसा है कि अपन करके भूल गए तो वो भी भूल जाएगा तो अपन दिन में 3 बार तो लगा ही देना उसको बहुत ही उन्होंने यहां पता मुझे चाहिए अच्छा सर अभी स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्होंने मंडे का आना तो अपने 2 दिन और ऐड करके चला उसको कोई बात नहीं तो अपन अपन इस 2 दिन और के पीछे कर रहे हैं बराबर ताकि उनको लगे कि हां ये दूसरे आदमी भूल जाता है अपन लगे रहेंगे ना जिनमें 4 बार फोन करेंगे तो उनको लगेगा ये चिंता से यार मैंने यहाँ बहुत ही तो पूरा सर्कल रिंग नहीं बनेगी सी टाइप में जाकर के मैडम आप लोग और देखिए कई बार ऑफिशियली कुछ काम कर पाते हैं और कुछ काम अनऑफिशियली भी मदद होती है तो आओ भी मानसिकता में आओ अपने स्तर पर हम कर सकते हैं वैसा बीमा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया क्या विशेष अब निरीक्षण या निरीक्षण तो पहले कई बार कर लिया अब तो इसको एक्चुअली अंजाम देना है और अंजाम इसलिए देना है कि मुझे लगता है कि मेरी उम्र अभी 54-55 साल की लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी कि एक एक बेड के लिए 10-10 घंटे 8-8 घंटे संघर्ष करना पड़ रहा क्योंकि उज्जैन ओवरलोड हो गया इंदौर ओवरलोड हो गया और अब सारी निगाहें नागदा पर है SDM साहब कलेक्टर साहब सांसद जी सारे लोग लगे हुए हैं कि बीमा अस्पताल अब जल्द से जल्द हमको सुविधाएं देने लग जाए नागरिकों को और आज जैसी बातचीत हुई है पूरी टीम से अमले से 15 दिन का वो मैक्सिमम समय दे रहे हैं मैंने उनको ये भी कहा है कि दिल्ली और कलकत्ता से कुछ सामान आना है उसके लिए अगर माननीय
गहलोत जी का भी हमें सहयोग लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन अब इसको नगर पालिका का भी पूरा अमला आ गया है और मुझे लगता है कि नगर पालिका के अमले को भी SDM साहब ने कहा है कि जो जो मेन पावर से लगा के जो जो भी मदद कर सकते हैं, पानी की, सीवेज की, ड्रेनेज की, ये सारी सुविधाएं जल्द से जल्द दे और 15 दिन के अंदर अंदर। पर मैंने कहा पहले भी हम 15 दिन कह चुके हैं, लेकिन ये 15 दिन बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम कैसे भी इसको आप अंजाम दे दें, बहुत जल्द अब इसको हम करेंगे जी। आज बीमा अस्पताल में जैसा कि पहले दौर का जो काम था वो पूरा होने के बाद सेकेंड दौर का काम हमने शुरू करवा दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को जुटा लेंगे। कुछ चीज़ों की टेक्निकल परेशानी आ रही है, कुछ सामान ऐसा है जो कलकत्ता और बाहर से मिलने वाला है, उस सामान को लाने में थोड़ी सी हमें परेशानी आ रही है, लेकिन जैसा कि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर सांसद जी का तो सहयोग है ही पूरे मामले में, हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब से, और उनका सहयोग भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर ये सेंटर अच्छे से चालू हो जाए और यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने लग जाए। आज स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर्स आए थे, साथ में जो ऑक्सीजन लाइन बिछाने का काम चरक हॉस्पिटल और महानगर में जिस टेंडर के द्वारा किया गया था वो भी व्यक्ति आए हुए, उनकी टीम आई हुई है, तो आज नगर पालिका की टीम के साथ CSP साहब के साथ और पूर्व विधायक शेखावत जी भी थे उसमें उपस्थित, तो हम लोग वहाँ पर गए और पूरा उनका समझा कैसे क्या काम रहेगा। तो सप्लायर से जब बात हुई तो उसने कहा 10 से 15 दिन का भी टाइम लगेगा क्योंकि पार्ट्स को प्रोक्योर करने में दिल्ली कोलकाता थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें भी जैसा कि उन्होंने कहा वैसे ही सब प्रकार से हम लोग भी लाइजनिंग करके कलेक्टर साहब के माध्यम से, आयुर्वेदी के माध्यम से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो बीमा अस्पताल की फैसिलिटी है वो कोविड केयर अस्पताल के रूप में जल्दी जल्दी हमारे नागदा शहर को और आसपास के एरिया को प्राप्त हो। जी सर, सर बीमा हॉस्पिटल में नगर पालिका की क्या भूमिका रहेगी? माननीय SDM साहब और CSP साहब ने जैसे निर्देश दिए इसके अनुसार सर्वप्रथम सब लोग पाइपलाइन यहाँ जल्द से जल्द बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 इंची पाइपलाइन यहाँ पे शीघ्र प्रयास है कि लग जाए ताकि जो सेटअप यहाँ हो रहा है उसमें किसी तरीके की समस्या ना जाए। इसके अलावा चाहे साफ़ सफाई हो या सीवेज की लाइन की समस्या हो, वो सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। इसके अलावा और भी कोई सहयोग होता है नगर पालिका उसमें हमेशा तत्पर है और इसको शीघ्र चालू करने के लिए जितने प्रयास आप सब लोग कर रहे हैं इसमें नगर पालिका की भूमिका निश्चित है।